नमस्कार, हूँ छू जयेश पटेल। ईएसडब्ल्यू एन्जॉय साइंस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप सबनु हार्दिक स्वागत छे। नमस्कार मित्रों, हवे आपणे जोईशुं कणाप सूत्र माइटोकॉन्ड्रिया। कणाप सूत्र ने ज्यां सुधी विशिष्ट रीते अभिरंजित करवामां आवता नथी त्यां सुधी माइक्रोस्कोप द्वारा तेने निहाळी शकातुं नथी। प्रत्येक कोष में कणापसूत्रनी संख्या जुदी जुदी होय छे, जेनो आधार कोषनी देहधार्मिक क्रियाशीलता पर रहेलो छे। ज्यां वधु शक्तिनी जरूरत होय त्यां वधु प्रमाणमां कणापसूत्रो जोवा मळे छे, एटले के वधु संख्यामां जोवा मळे छे। तेना आकार अने कदमां पण नोंधनीय विविधता जोवा मळे छे। सामान्य रीते अहीं आ शुक्रकोष बताव्यो छे, जेमा आवेला माइटोकॉन्ड्रिया एटले के कणापसूत्र ए सर्पाकार रचना दर्शावे छे। ते रकाबी आकार अने नळाकार होय छे, जे 0.2 थी 1.0 माइक्रोमीटर जेटलो व्यास अने 4.1 माइक्रोमीटर जेटली लंबाई धरावे छे। दरेक कणापसूत्र बेवड़ी पटलमय रचना धरावे छे। अहीं आ जोई शकाय छे, आ बहारनी दीवाल छे, आ अंदरनी दीवाल छे। जेवा के बाह्य पटल, आ बाह्य पटल अने अंतः पटल के जे तेना अवकाशने बे स्पष्ट जलकृत विस्तारों में जेवा के बाह्य कक्ष अने अंतः कक्ष एम बे भाग में विभाजित करे छे। अंतः कक्ष ने आधारक अथवा मैट्रिक्स कहवाई छे। बाह्य पटल आ षडंग अने कणाप सूत्रनी बाह्य सीमा रचे छे, जारे अंतः पटल जे छे ए अंतः पटल आधारक बाजू अंतरवलन थी अनेक गड़ी जेवी रचना बनावे छे अथवा प्रवर्धमय रचना बनावे छे, जेने क्रिस्टी कहे छे। क्रिस्टी तेना सपाटीय क्षेत्रफळमां वधारो करे छे। आ पाठ्यपुस्तकमांनी आकृति अहीं बतावी छे। कणापसूत्रना बन्ने पटलोमां तेना कार्यो संबंधित विशिष्ट उत्सेचको जोवा मळे छे, जे कणापसूत्रना कार्य संबंधित होय छे। कणापसूत्र जारक श्वसन माटेनुं स्थान छे। आपणे जाणीए छीए के ऑक्सिजननी हाजरीमां ग्लूकोस जेवा पदार्थनું संपूर्ण दहन થાય છે, એટલે કે જારક શ્વસન થાય છે। આ જારક શ્વસન દરમિયાન એટીપી સ્વરૂપે શક્તિ જે છે એ શક્તિ ઉત્સર્જિત થતી હોય છે। તે એટલે કે કણાપસૂત્ર એટીપી સ્વરૂપે કોષીય શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે। આ કારણોસર કણાપસૂત્રોને કોષોનું શક્તિઘર કહે છે। કણાપસૂત્રના આધારકમાં એક વલયાકાર ડીએનએ, થોડા ઘણા આરએનએ અણુ, રિબોસોમ્સ કે જે 70S પ્રકારના અને પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેના આવશ્યક ઘટકો આવેલા હોય છે। કણાપસૂત્ર દ્વિભાજન દ્વારા વિભાજન પામે છે। મિત્રો, જો પહેલીવાર ESW ચેનલ વિઝિટ કરી હોય તો માત્ર એક વખત સબસ્ક્રાઇબ કરો, દરેક વિડીયોને અવશ્ય લાઇક કરો। આ પછીના નવા મુદ્દા પર જવા માટે નીચેના થંબનેલ પર ક્લિક કરો।